हरियाणा के करनाल में शुक्रवार की रात को रेलवे लाइन पार एरिया शिव कॉलोनी मान कॉलोनी की गलियों में सनकी युवकों द्वारा खड़ी गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए गए। वहां उपस्थित लोगों ने बताया कि जब सुबह उठे तो देखा कि गली में खड़ी गाड़ियों के, स्कूल बस के, अन्य वाहनों के शीशे टूटे हुए हैं, जिसकी सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आसपास के घरों के सीसीटीवी फुटेज खंगाले व दोषियों की जांच शुरू कर दी। यहां हम आपको बता दें कि पहले भी करनाल में इस तरह की वारदात हुई है। इस वारदात से शिव कॉलोनी मान कॉलोनी के साथ लगती गलियों में खड़ी गाड़ियों के शीशे तोड़ने से भारी नुकसान हुआ था। मौके पर पहुंचे पुलिस जांच अधिकारी ने बताया कि सूचना मिली थी कि शिव कॉलोनी में खड़े वाहनों पर अज्ञात शरारती तत्वों द्वारा डंडे बरसाकर शीशे तोड़ दिए गए हैं। मौके पर पहुंचकर वारदात का मुआयना किया और आसपास के घरों के सीसीटीवी फुटेज भी खंगाली जा रही है, जिसमें दो युवक मोटरसाइकिल पर सवार होकर रास्ते में खड़े वाहनों पर डंडे बरसा रहे हैं, जिसकी सूचना उच्च अधिकारी को दे दी गई है और दोषियों की तलाश शुरू कर दी गई है। हाँ जी, क्या देखा आपने? मैं तो अभी अभी दुकान पे आके दुकान खोली है जी। किस जगह आपकी दुकान है? ये आपके सामने ही खड़ा हूँ जी, प्रेम कॉलोनी में। अच्छा अच्छा, मामू गोंदर राम वाली गली में। अच्छा अच्छा जी। और आए हैं तो भाई के साथ आए हो, मोटरसाइकिल पे। भाई कहता है ये सारी कारों के शीशे टूटे हुए हैं। कितनी गाड़ियां हैं लगभग? अब मैंने तो अभी दो तीन ही देखी हैं। बताने वाले बता रहे हैं कि पीछे मान कॉलोनी में, शिव कॉलोनी में काफी कारें तोड़ गए हैं। तो कौन लोग हो सकते हैं? अब इसके बारे में कुछ नहीं बता सकते जी, कौन हो सकते हैं। कैमरे लगे हुए हैं, अभी कैमरे से चेक हो जाएगा कौन है कौन नहीं है। चलो थोड़ा बता दो। हाँ जी, क्या मामला है, क्या कार्रवाई है? अभी तो पता ही नहीं लग रहा, कैमरे में पता लग गया कुछ, कैमरे में फोटो आएगी उसके बाद पता लग गया कौन है, क्यों करी ऐसी हरकत। क्या गाड़ियां तोड़ के गए? गाड़ियों के शीशे तोड़ गए, मोटरसाइकिल पे चलते चलते।